नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको गूगल गो के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिसको आप गूगल का बाप भी बोल सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये ओरिजिनल गूगल ऐप का एक लाइटवेट वर्शन है जो कि कुछ दिन पहले गूगल ने खुद ही लॉन्च किया है। लेकिन इस ऐप का फीचर्स और यूज़र इंटरफेस को देख के आप असली गूगल को शायद भूल जाएंगे, और शायद नहीं, आप भूल ही जाएंगे, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। तो ये मेनली डेवलप किया गया उस लाइटवेट फ़ोन्स के लिए जिसमें बहुत ही कम रैम होता है और स्लो कनेक्शंस के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर, तो ये रहा हमारा ऐप। आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल होने के साथ साथ यूज़र फ्रेंडली है। तो इसमें आप नॉर्मल गूगल सर्च भी परफॉर्म कर सकते हैं, और आप इससे बहुत सारे ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, डायरेक्टली इस ऐप से आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए यूट्यूब सर्च करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके जो सजेशंस है, यानी कि जो नीचे आप ब्लू बॉक्स में देख सकते हैं रिकमेंडेशंस है, वो बहुत ही एक्यूरेट है दोस्तों। आप देख सकते हैं इससे आपको बहुत ही कम टाइप करना पड़ता है, और इसके जो वर्ड कंप्लीट फीचर है, तो आप यूट्यूब यू लिखने से ही आपका पूरा हो जाएगा। तो इससे आप वॉइस सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों, आप इससे इमेजेस सर्च कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। आप देख ही सकते हैं जैसे कैटेगरी वाइज ये पिक्चर्स डिवाइड। तो मैंने गुड मॉर्निंग कोर्स में जाया है, और ये आप देख सकते हैं ये जो सब ऑप्शंस यानी कि रिकमेंडेशन आता है वो एक फ़िल्टर की तरह काम कर रहा है। मैंने बहुत सारे फ़िल्टर्स अप्लाई करके आपको दिखाया है। तो बेसिकली आपका लिख के इमेज सर्च करने के हैज़र्ड से ये छुटकारा देता है ये ऐप। आप मैंने देखिए नेचर में भी देख लिया है, इससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। डाउनलोड और शेयर कर सकते हैं दोस्तों कोई भी इमेज, ये बहुत ही सुंदर है। देख सकते हैं इस नेचर के इमेज से आप इससे आप बैकग्राउंड में भी सेट कर सकते हैं दोस्तों, और इससे आप शेयर भी कर सकते हैं। जीआईएफ का ऑप्शन भी एकदम इमेजेस की तरह ही है, आप बहुत सारे इमेजेस और जीआईएफ शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। अगर आपके फ़ोन में यूट्यूब ऐप नहीं है तो इससे आप यूट्यूब भी देख सकते हैं इस ऐप से। मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है यूट्यूब ऐप, तो आपको मैं नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं इसके जीआईएस भी वो बहुत अच्छी तरह से सॉर्टेड है, तो आपको बहुत ही मदद मिलेगा दोस्तों। तो आप चलिए ऐप्स में जाके देखते हैं। जो मैंने बोला था यूट्यूब ऐप मेरे पहले से ही इंस्टॉल है, इसलिए ये डायरेक्ट ऐप खुल रहा है, नहीं तो ये एक वेब पेज का एक वर्जन खोल देता आपके लिए। आप इससे वेदर भी आप चेक कर सकते हैं, और ट्रांसलेट मैप्स, ये तो ऑप्शंस है ही। तो चलिए आप ऐप्स में जाते हैं दोस्तों। तो ऐप्स में जाके आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब, गाना, सावन, स्पोर्ट्स के लिए क्विक बस, न्यूज़ के लिए एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, शॉपिंग के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब है। ये बेसिकली आपको को इस ऐप का वेब पेजेस दिखाता है, और जो कि बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन होता है, और आपको एक ऐप की तरह ही लगता है दोस्तों। आप अमेजन सर्च करके भी आप वेब पेज के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पहले टाइप करना पड़ेगा amazon.com, सर्च रिजल्ट में आएगा, उससे आप खोलना पड़ेगा, फिर जाके आपको अमेजन आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें वन टैप करके ही आप सारे टॉपिक्स को आप जा सकते हैं, और विदाउट एनी टाइपिंग। इस ऐप का मोटिव ही ये है, आप विदाउट एनी टाइपलेस और सर्च मोड देख सकते हैं। मैंने इसे ट्रैवल में पीएनआर स्टेटस, आप इसे ट्रेन्स का शेड्यूल भी देख सकते हैं, बहुत ही कुछ कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। मैं पर्सनली ये ऐप यूज़ कर रहा है गूगल के अल्टरनेटिव के लिए, बहुत ही अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही लाइटवेट है। तो देख सकते हैं ये स्नेक गेम, मैंने तो आपको पहले बताया था जो हिडन गेम्स
वीडियो में बनाया था उसमें ही आपको बताया। तो ये देख सकते हैं, ये एक नया गेम है पोनी एक्सप्रेस। शायद मैं और एक वीडियो डालूंगा गूगल ट्रिक्स के बारे में। और एंटरटेनमेंट के लिए एप्स और गेम्स के लिए भी ये एक दूसरा एक कैटेगरी ये लाया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा मोटिव है मैं कहूँगा गूगल की तरह से। तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, मैं लिंक दे दूंगा। और ये देखिए, ये है apkpure.com। तो इससे आप बेसिकली कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके गूगल प्ले स्टोर में मेरी तरह नो स्पेस दिखा रहा है, 200 500 MB रहते भी आप गूगल प्ले स्टोर में नो स्पेस दिखा रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। मैं नहीं जानता किस लिए हो रहा है, लेकिन मेरा भी तो मैं पर्सनली एप्स डाउनलोड ऐसे ही करता हूँ। एपीके प्योर में जाके इसका एपीके डाउनलोड कर लेता हूँ दोस्तों। ये एकदम से सेफ है, आपको कोई डरने के लिए आवश्यकता नहीं है, आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड स्टार्ट भी हो चुका है दोस्तों। तो आई होप इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल में नए आए हो तो नीचे वाला लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा।